हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी से खनिया दाना पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डिपोल इन एंड ऑन पोजीशन, हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये है कि हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता के बारे में हमने पढ़ चुका है, पहले यहीं से इसको व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन मतलब ये है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का व्यंजक भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसमें नई चीज है क्या कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अभी कुछ याद आ रहा है क्या? पिछले वीडियो में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। क्या होता है भाई वैद्युत द्विध्रुव? याद होगा आप लोगों को, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि जब दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? है ना? तो वैद्युत द्विध्रुव तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसके कारण यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अक्षीय स्थिति क्या है। क्लियर? यानी कि एंड ऑन पोजीशन क्या है, एंड ऑन पोजीशन अक्षीय स्थिति आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप समझिए एंड ऑन पोजीशन, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। एंड ऑन पोजीशन जो है आपका दोस्तों कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव अक्ष। और जो द्विध्रुव अक्ष है इसको आप इधर आगे बढ़ा दो कितना भी, इधर आप इसको इधर बढ़ा दो कितना भी, है ना, इधर तो ये बढ़ाया ही हुआ है, ठीक है ना। इधर भी आप इसको बढ़ा सकते हो, इधर भी कोई पॉइंट ले सकते हो, आप उस पर तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। यहां हमने जैसे ये पॉइंट लिया हुआ है P, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो चूंकि क्या है कि जिस बिंदु पर भी तीव्रता ज्ञात करनी है वो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों, है ना। यदि कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उसे हम द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं, इसे ही अक्षीय स्थिति कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन। अब दोस्तों, अक्षीय स्थिति आपको समझ में आ गई, एंड ऑन पोजीशन क्या है आप समझ गए कि द्विध्रुव अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है ना तो उसे हम अक्षीय स्थिति में कहते हैं, है ना। चाहे वो इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इधर इधर भी बढ़ा सकते हो आप इसको, किसी भी तरफ हो, और उस पर हमें जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसको एंड ऑन पोजीशन कहेंगे। अब दोस्तों, ये बिंदु है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट को हम कहां से नापेंगे, यहां से नापेंगे इसकी दूरी या फिर यहां से नापेंगे? दोस्तों नहीं नापेंगे, कहीं से भी नहीं नापेंगे। अगर आप यहां से नापोगे तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है ना, इसको बेकार लगेगा, और अगर इससे नाप लोगे तो इसको भी बेकार लगेगा, इसलिए हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं दूरी। मान लिया कि कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, O से वो R दूरी पर है। दोस्तों कितनी दूरी पर है, O से R दूरी पर बिंदु है ये आपका P, इसी पर आपको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा दिखता नहीं है। तो मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। काय के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो कहां से नापेंगे दोस्तों बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, सेंटर पॉइंट से। क्लियर हो रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के द्विध्रुव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो पता ही चुका हूं इसकी लंबाई क्या होती है दोस्तों, 2L होती है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो LL में डिवाइड हो जाएगा, और अगर टोटल देखते हैं तो 2L हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? तो ये दूरी टोटल कितनी है, 2L है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसको LL में डिवाइड कर दिया मध्य बिंदु से, ठीक है। तो ये पूरा चित्र अपना कंप्लीट है, काय का चित्र है दोस्तों,
बेतो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बेतो क्षेत्र की तीव्रता इस चित्र के हिसाब से निकालेंगे, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यदि कोई इधर बिंदु होता है P, इस पर निकालना है चूंकि हमें तीव्रता, तो यदि मैं इधर कोई परीक्षण आवेश रख देता हूँ Q0 हमेशा प्लस में रहता है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये Q0 को क्या करेगा, प्लस Q आवेश प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण तीव्रता की दिशा किधर रहेगी, इस दिशा में रहेगी कि नहीं, ये पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण। और अगर मैं बात करूं ये माइनस Q वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा तो ये दिशा ये किधर भी रहेगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो एक एरो इस तरफ लगा है, मतलब E1 की दिशा ये है, है ना, और E2 की दिशा ये, ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। ये बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बनाया केवल, है ना। तो E1 और E2 आप देख रहे हो दो अलग अलग एरो तीव्रताएं आपको यहाँ पर दर्शाई गई है, वो यही बता रही है कि इसके कारण तीव्रता की दिशा ये और इसके कारण ये, क्योंकि ये वाला क्या करेगा, खींचेगा तो इसी दिशा में खींचेगा, ये वाला प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा तो किस दिशा में देगा, इस दिशा में देगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट, अपन थोड़ा सा क्या है अभी आपने जैसे एंड ऑन पोजीशन के डेफिनेशन मैंने आपको समझाई, अब मैं आपको थोड़ा सा चित्र का वर्णन समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि जब आप परीक्षा में लिखोगे तो आपको चित्र का वर्णन पूरा लिखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि ए भी क्या है, एक बेतो द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 2L, इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है, या द्विध्रुव की लंबाई 2L है, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये चित्र की भाषा हो गई, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों के A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये अकेले आवेश के कारण देख रहे हैं, केवल ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है ये आपको नजर आ रहा है चित्र में, इसके कारण हम तीव्रता देखेंगे। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी दोस्तों, E1 बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे 1/4πε0 और Q/AP2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता हमने निकाली है तो ये आपको पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो जिसने भी देखा है वो देखना है, जिसने देखा है तो कोई टेंशन नहीं, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें हम लेते हैं क्या, उसमें होता है फॉर्मूला 1/4πε0 E बराबर और Q/r2, उसमें हम एक आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं तो दूरी का वर्ग आता है दोस्तों यहाँ पे। तो सेम हमने भी वही किया कि A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q/AP2 और इसकी दिशा क्या रहेगी दोस्तों, AP वेक्टर, यानी कि AP दिशा में, ये तो मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि इधर Q0 रखोगे तो ये धक्का देगा उसको, तो E1 की दिशा इस तरफ रहेगी, है ना, ये बताया गया है यहाँ पे चित्र में। अब हम बात करें ये परिस्थिति प्लस क्यू आवेश का तीव्रता आ गई है 1/4πε0 Q/AP2। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ K2 नहीं लिखा दोस्तों, अगर वायु अगर बात है तो K लिखना कंपलसरी नहीं है, दोनों आवेशों के बीच में यदि कोई अन्य माध्यम नहीं है होगा तो K लिख देंगे, माध्यम का परावर्तन नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 4π0 Q/AP2। अब AP आप देखिए AP का कोई वैल्यू इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हम निकाल सकते हैं दोस्तों बड़े आसानी से, देखिए AP का मान मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए AP ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब आप देख रहे हो ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस OA का मान L है, अगर मैं इसमें से ये L घटा दूँ तो आराम से आ जाएगा AP, यानी कि AP का डिस्टेंस आराम से क्या निकल रहा है यहाँ से, अगर मैं लिखूँ तो R-L, ये आपका AP का डिस्टेंस निकल आया दोस्तों, कोई दिक्कत है, बस कितना लिखना है AP बराबर आपको लिखना है क्या, OP-OA, यानी कि R-L, ये आपका AP का वैल्यू आ चुका है। AP का जो वैल्यू आया वो आप इसमें शिफ्ट कर दीजिए, तो E1 क्या आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर, दैट इज इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ये आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी,
तो B पर स्थित माइनस टू आवेश के कारण तीव्रता हम निकालेंगे दोस्तों। E2 बराबर हमने मान लिया कितना, वही चलेगा एक अपॉन एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये Q अपॉन यहां से देखेंगे दूरी या बिंदु P क्या है BP, तो BP स्क्वायर कर दीजिए, BP स्क्वायर किया था हमने BP स्क्वायर। अब चूंकि इसकी दिशा क्या रहेगी दोस्तों, इसकी दिशा BP नहीं रहेगी PB रहेगी, PB दिशा में क्यों रहेगी दोस्तों ये PB दिशा में बताइए, क्योंकि ये आकर्षित करेगा इधर, अगर कोई यहां पर क्षण आवेश रखोगे उसको खींचेगा ये अपनी तरफ, इसलिए E2 की दिशा PB दिशा में रहेगी इस दिशा में, आप देख रहे हो यार इस तरफ लगा हुआ है पूरा, ठीक है। तो चलिए E2 बराबर ये आ चुका है आपका। अब आपको चाहिए BP का वैल्यू, BP देखिए आप, BP आपको नजर आ रहा होगा ये है BP, और BP का मान अगर आप देखो तो BO प्लस OP, तो BO का वैल्यू कितना है L है, क्योंकि ये द्रव की लंबाई का आधा भाग है BO, तो आप यहां पे लिख सकते हो BO प्लस OP, यानी कि L प्लस R, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R प्लस L, प्लस में है आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ इसको नहीं लिख सकते थे आगे पीछे, आप R माइनस L है तो R माइनस L ही रहेगा यहां पे, क्योंकि L माइनस R नहीं लिख सकते आप इसको, तो ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका R प्लस L आ गया। अभी B इक्वल टू R प्लस L, अब ये वैल्यू उठा के यहां रख देना है अपने लिए E2 का मान, ठीक है दोस्तों यहां रख देता हूं। E2 का वैल्यू कुल मिला के आपका निकला है एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहां पर BP का वैल्यू क्या आया है R प्लस L है ना, तो यहां Q तो है ऊपर, तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, दैट इज समीकरण नंबर 2। अब आपके दोनों समीकरण कंप्लीट हो चुके हैं, आपने दोनों के आवेशों की कार्य तीव्रताएं ज्ञात कर ली, कोई दिक्कत है यहां तक समीकरण 1 और 2 तक किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होगी, पूरी चीजें क्लियर करता आ रहा हूं, ठीक है। तो अब A पर स्थित प्लस टू आवेश के कारण तीव्रता हमने निकाल ली, ये आई E1 का मान, और B पर स्थित माइनस टू आवेश के कारण तीव्रता हमने निकाल ली, E2 बराबर ये आ गया, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2 है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा विचार करिए, विचार क्या करना है कुछ भी नहीं। अब आप यहां पर देखिए बिंदु P है ये आपका, यहां पर बिंदु P है और यहां है आपका A, और A पर है प्लस टू आवेश स्थित, तो इसके कारण अब बिंदु P प्लस क्यू आवेश के ज्यादा नजदीक है, निश्चित रूप से ये वाला इस पर ज्यादा फोर्स लगा सकता है, मतलब ये जितने बल से प्रतिकर्षित कर सकता है ये उतने बल से आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दूर है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देगी आप, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देगी, तो कुल मिला के हम समझ गए कि अगर हम देखें परिमाण रूप में तो इसके कारण जो तीव्रता है वो इसके कारण तीव्रता से अधिक रहेगी, कुल मिला के E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है, लेकिन नजदीक कौन है प्लस क्यू, तो E1 ज्यादा होगा E2 कम होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों परिणामी तीव्रता जो हमें निकालनी है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी दोस्तों, हम घटा देंगे क्योंकि ज्यादा तीव्रता में से कम घटा दो सिंपल आ जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, बस कुछ भी नहीं करना है, E बराबर E1 माइनस E2। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 है अवेलेबल, E1 का वैल्यू भी हमारे पास है, E2 का भी है, रख देना है बस कुछ नहीं, कैलकुलेट कर देना है आगे अपना आंसर, ठीक है ना। करते हैं दोस्तों E बराबर इसका मान 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए E2 का मान रख दीजिए, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये भी मान रख दिया कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दोस्तों इन दोनों में देखना है क्या, जो चीज कॉमन है उसको पहले बाहर निकालो, कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 4 भी कॉमन है दोनों में, पाई भी है, एप्सिलॉन 0 भी है या क्यू भी है, दोनों में ये चीजें बाहर कर दीजिए, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर तो यहां से बचेगा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसका कर दीजिए आप इसको बंद, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, एलसीएम लेके हल करेंगे दोस्तों इसको, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अभी दोस्तों इसका गुणा इसमें बंद करोगे क्या आएगा, आर प्लस एल का
होल स्क्वायर, इसका इसमें करोगे क्या आएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का तो एलसीएम इनटू में ही आएगा, इसको लिख देना आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इसको लिख देना आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से नहीं है यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। अभी आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे, इसका भी खोलोगे, है ना। तो अब मैं इसको यहाँ करता हूँ, देखिए दोस्तों, ठीक है ना। हाँ तो देखिए यहाँ अगर अपन चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, एक एक चीज क्लियर है। अब यहाँ से देखना दोस्तों, अभी यहाँ से ले लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ दोस्तों ई बराबर, ये लेता हूँ मैं यहाँ पे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो कॉमन था, अंदर सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देख रहे हो आप, आर प्लस एल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, सबको याद होगा ये फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, ये खुल गया दोस्तों। अब मैं माइनस लगाता हूँ इसमें, है ना, माइनस। अब ये अंदर कोष्ट चुकी क्या माइनस लगा, लेकिन कोष्टक भी है, तो कोष्टक लगाऊंगा पहले, तो फिर मैं खोलूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, और ये पूरा खुल चुका है, लेकिन माइनस अगेन था इसलिए इसको कोष्टक नहीं हटाया अभी, अगर इस टाइम में हटा देंगे। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी है कि नहीं दोनों पर। अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसा लिख दूँ कि मैं इसको लिख दूँ आर माइनस एल और आर प्लस एल, और इन पर एक बड़ा कोष्टक लगा के होल स्क्वायर चढ़ा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर भी होल स्क्वायर, इस पर भी है। मैंने क्या किया, एन टू में लिख के दोनों का होल स्क्वायर ऊपर चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए, अब आपको क्या है, अगले स्टेप में इसको और थोड़ा सा सॉल्व करिए, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल। अब ये माइनस का एन टू कर दीजिए आप अंदर, और जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो दोस्तों क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, कुछ नहीं होना है एक्स्ट्रा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, कितना सा होना है। अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये जो कंडीशन आपके सामने है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं एलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ये। तो आप इसको जब करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आपने पता है कि ये ऊपर एक पुस्तक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो भाई चलेगा साथ में, ये तो अभी छूटेगा नहीं इसका साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया था, अब ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने, लेकिन हम कुछ देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये आर स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, ऐसे एल भी है, तो भाई ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गए, तो क्या पूछना है, कर देते हैं ये इससे, ये आपका आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर और एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, भाई टू आर एल और टू आर एल दोनों ही पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों प्लस में। अब भाई दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे फोर आर एल बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों लगभग अपना सॉल्व हो चुका है, कुछ भी इसमें टेंशन का काम नहीं है, ये क्यू है इसको टू में समझना भाई, है ना। तो ये आपका फोर आर एल अलग और ये क्यू अलग। अब थोड़ा इसको सॉल्व और करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ टू क्यू एल, ये फोर आर एल टू क्यू है ना, तो मैंने लिख दिया इसको तोड़ के लिख दिया टू क्यू एल इंटू टू आर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों में चार क्यू एल आर जो ऊपर था वही है, लेकिन मैंने तोड़ के लिख दिया, है ना। क्यों लिखा है बताऊंगा आपको, क्यों लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों 2QL याद कीजिए क्या होता है 2QL, पिछले वीडियो में बताया था 2QL होता है क्या, 2QL होता है P, मैं तो द्विध्रुव आवेश, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम P बराबर 2QL बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसको सीधा 2QL की जगह पे आपको रख देना है P, ठीक है। तो ये आपका आ गया दोस्तों P, तो आप इधर लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2PR बटे 2R तो था ये P हो गया 2PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिग्री में बंद कर रहा हूँ तो समझ लीजिए,
ये आपका समीकरण नंबर बन गया कौन सा, तीन दे दिया मैंने इसको, ध्यान दीजिए ये e बराबर तो आप देख रहे हो ना, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वेक्टर द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ चुका है कंप्लीट, ठीक है ना, क्लियर हो चुका है, फॉर्मूला पूरा आ चुका है दोस्तों। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता रहा हूँ, अभी कभी अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया आपको कि भाई यदि द्विध्रुव छोटा हो तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है, द्विध्रुव छोटा हो तो, अब छोटा हो तो फिर कैसे क्या करेंगे अपन, भाई क्वेश्चन में अगर आया सीधा लिखा हुआ आया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात कीजिए तो इतना निकाल लेंगे, है ना, सीधा आया, और अगर छोटा लिखा हुआ आ गया तो थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, इधर चित्र पर ध्यान दीजिए, द्विध्रुव को अगर अपन छोटा कर देंगे, मान लो इतना छोटा कर देंगे तो आर का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर इधर से आर लेना पड़ेगा कि नहीं, समझना थोड़ा ध्यान से, इसको मैंने इतना छोटा कर दिया तो अब सेंटर पॉइंट ही आ जाएगा तो आर का मान बढ़ जाएगा और एल बहुत कम हो जाएगा, है ना, तो जब यदि द्विध्रुव छोटा होगा तो क्या होगा, आर मैं अगर बात करूं तब एल जो आपका है एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, मतलब एल का मान बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम का मतलब नगण्य हो जाएगा एल का मान यदि द्विध्रुव छोटा हुआ तो, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा एक स्टेप, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये तो क्लियर हो चुका है ना, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ समीकरण तीन में आपकी स्थिति क्या बनेगी दोस्तों, जो समीकरण तीन है e बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जो टू पी आर है ये तो आर ही रहना है, नीचे जो आर स्क्वायर देख रहे हो आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब चूंकि क्या है द्विध्रुव छोटा हो गया है, आर का मान बहुत ज्यादा हो गया है, एल हो गया है नगण्य, नगण्य हो गया है तो उसको आप जीरो रख दीजिए यहाँ पे, जीरो का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए अब यहाँ पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी आर, ये जीरो हो गया, दो दूनी चार, आर की पावर हुई फोर, फोर को आप आर की टू आर लिख सकते हो, आर से एक आर कैंसिल, क्या बचेगा दोस्तों ई बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू पी बटे आर क्यू, ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, समीकरण नंबर चार आ चुका है दोस्तों, और ये छोटे द्विध्रुव के कारण, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है या व्यंजक है, ठीक है ना, तो अगर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आता है ऐसे तो इतना करना है, छोटा द्विध्रुव अगर आ गया उसमें स्पेशली पूछ लिया तो आपको थोड़ा और बढ़ा देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर दोस्तों, समझ में आया, आशा करता हूं आपको पूरा व्यंजक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका टॉपिक, अगले वीडियो में हम लक्षी स्थिति को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो जो भी नए जुड़े हैं, नए सदस्य जो भी जुड़े हैं, नए स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं उनसे बस एक ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से मैं आपकी समस्याएं सॉल्व करता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।